हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवीर रावत पहाड़ी ब्लॉग। और स्वागत करते हैं आपका उत्तराखंड की इन खूबसूरत हसीन पहाड़ी वादियों से। तो दोस्तों, कल शाम मैं चला गया ऋषिकेश और सुबह ही वहां से मैं दुकान के लिए वापसी आ गया हूं। तो बने रहिए वीडियो में, देखिए रात में ऋषिकेश कैसे दिखता है। ऋषिकेश कल के लिए सुबह सुबह का टाइम है, खाली रोड है। आ गया हूँ मैं बस अड्डे में, अभी कोई कोई दुकान खुली है। आ गया हूँ मैं मेन रोड पे, सुबह के बज रहे हैं 5। मैं निकल गया हूँ बस अड्डे से। रुकी है नटराज चौक पर, क्योंकि सवारी तो है नहीं बस में, 8-10 सवारी हैं, तो इसलिए नटराज चौक पर अभी बस खड़ी है और अभी 5-10 मिनट बाद चलेगी। ये है नटराज चौक। तो सुबह के बज रहे हैं 5:15। तो सामने की पहाड़ियाँ देखे कैसे लग रही हैं। ये नटराज चौक है। तो मैं कमरे से 4:30 बजे जो है बस अड्डे पहुँच गया। 4 बजे मैं उठा और मुँह धो के चाय पी के 4:30 बजे आ गया मैं बस अड्डे में, और वहाँ से बस तैयार थी तो मैं भी बस में बैठा निकल लिया हूँ। सामने की पहाड़ियाँ भी बिल्कुल काली दिखाई दे रही हैं। तो कैसे दौड़ रहे हैं गाड़ी के पीछे, और ये हमारी बस खड़ी है अभी यहाँ पर, और ये सामने नटराज होटल। सामने वाली रोड जा रही है ऊपर पहाड़ों के लिए, नरेंद्र नगर, टिहरी, चंबा। तो ये सब सवारियां वहां के लिए खड़ी हैं, सुबह वहां के लिए भी बस लगी हुई है। तो ये मैं पहुंच गया हूँ रानी पोखरी में। रानी पोखरी का मार्केट अभी बिल्कुल सुनसान है। 5:30 बज रहे हैं। रानी पोखरी चौराहे पे मैं उतर गया हूँ बस से। सामने होटल है। हमारी भोपुर वाली रोड है जो अभी सुनसान पड़ी हुई है। तो भाई सुबह के 4 बजे मैं कमरे से निकला और सीधे बस अड्डे। बस अड्डे में जाते ही एकदम बस तैयार थी, बस में बैठे और निकल लिए घर के लिए। तो सुबह सुबह का दृश्य कैसे होता है, सुनसान सड़कें हैं, बंद बाजार और बिल्कुल एकदम सुनसान लग रहा था। रानी भोगरी में भी पहुंचा तो बिल्कुल सुनसान एकदम। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।